भगवान ने कहा प्रयास तो करो, आगे की व्यवस्था मैं देखता हूं। देखो बात तो बड़ी अच्छी है, भगवान कहते हैं आप मेरी ओर एक कदम बढ़ाइए तो सही, सिर्फ एक कदम, आगे के 100 कदमों का रास्ता मैं स्वयं तय करके ना पहुंच जाऊं तो कहना। कहते हैं ना भगवान, हम प्रयास नहीं करते, पर भगवान का कथन यही है कि मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ तो सही, आगे की दूरी मैं तय करूंगा, तुम्हें तय नहीं करना, बस तुम्हें पहला कदम बढ़ाना है, तुम्हें प्रयत्न करना है, तुम्हें प्रयास करना है। हाथ पे हाथ धरे हम बैठ जाएं, हम सोचें कि भैया हमको द्वारिकापुरी जाना है दर्शन करने, कैसे जाएं, तो टिकट कराओ, पहला कदम तय। टिकट करा ली, व्यवस्था भगवान कर देंगे, कैसे जाना, कहाँ जाना, कैसा इंतजाम, किसके साथ जाना, वो सब बनता जाता है। मन बना लिया है तो फिर भगवान उस कार्य को पूर्ण करते हैं, पर मन बनाना पड़ेगा। यदि जीवन में कुछ करना है और हम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो जीवन में वही होता जाएगा जो भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। लेकिन हम यदि ये ठान ले कि भाग्य में जो लिखा है वो लिखा रहने दो, अपना भाग्य अपने कर्म के द्वारा मैं स्वयं लिखूंगा, तो फिर भगवान भी आपके सहायक बन जाते हैं आपके अच्छे कार्य में। तो भगवान कहते हैं कि भैया एक कदम बढ़ाओ तो सही, आगे की 100 कदमों की दूरी मुझे तय करनी है और मैं करूंगा, पर आप भी तो कदम बढ़ा लो। तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि पूछ रहे हो कैसे, तैयार तो हो, हाँ तो बोलो, बाकी तो फिर सब मैंने इंतजाम कर दिया है। वसुदेव जी ने कहा जो आज्ञा, छोड़ आता हूं। अब एक बात आती है कि जब भगवान ने माया का प्रभाव चला दिया इतना ज्यादा कि सब सो गए, कारागार खुल गया, हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, गोकुल में भी माया के प्रभाव से सभी को सुला दिया, जब भगवान स्वयं मायापति हैं तो थोड़ी देर और माया चलाते। कम से कम जिस माँ के गर्भ से, गर्भ मतलब भगवान का कभी गर्भ से जन्म तो होता नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं, लेकिन एक सामान्य भाव में कह दिया जाता है कि भगवान ने जन्म लिया, तो जिस माता पिता के यहां भगवान ने जन्म लिया है उनकी जो माँ है देवकी, देवकी का भगवान ने स्तनपान तक नहीं किया, दूध तक नहीं पिया। अरे थोड़ी देर रुक करके माँ का स्तनपान करते और फिर चल देते, माया थोड़ी सी और बढ़ाते, पर भगवान ने रुकना ही पसंद नहीं किया। जैसे ही आए और कहते हैं छोड़ाओ छोड़ाओ गोकुल छोड़ाओ। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नंद बाबा और मैया यशोदा हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के राजा थे। नंद बाबा थे द्रोण और यशोदा मैया थी देवी धरा। ये किसी राज्य के राजा थे और ये रानी थी, लेकिन भक्ति इतनी जागी जीवन में कि राज्यपाट छोड़ के जंगल में एक झोपड़ी बना के एकांत में रहते हैं, भजन करते हैं, भिक्षा मांग करके जो रूखा सूखा मिला सो खाते हैं। द्रोण और धरा के तपस्या की बातें आकाश तक में, स्वर्ग तक में होने लगी और बात पहुंची भगवान के कान में।
जब भगवान ने सुना तो भगवान ऐसे तो मानते नहीं, भगवान ने कहा मैं तो लूंगा परीक्षा। और भगवान ने एक युवक 24-25 वर्ष के एक युवक का वेश धारण किया, अपने साथ में दो वृद्ध माता पिता ले लिए माया के, और भगवान चल दिए। अब जब भगवान चल दिए माता पिता लेकर के, वृद्ध माता पिता लेकर के पहुंचे झोपड़ी में, राजा द्रोण थे नहीं, भिक्षा मांगने गए थे, उनकी पत्नी धरा थी। भगवान पहुंचे भिक्षां देहि, धरा ने जैसे ही देखा अतिथि आए हैं, अतिथि आए हैं, तुरंत हाथ जोड़ के स्वागत करती हैं, आइए 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 भगवान आइए, भीतर ले गई, एक आसन पर बिछा करके बिठा दिया। ध्यान रखो जब हमारे घर में अतिथि आए तो अतिथि के सत्कार की व्यवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा भारत, हमारे भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि के आते ही सबसे पहले उसे बैठाओ, फिर उसको पानी पिलाओ, जल पिलाओ, और यदि वो भोजन के समय पे आया है तो उसको भोजन कराओ। वो ना करे वो उनकी मर्जी है, पर भोजन के समय पे यदि अतिथि पधारे हैं तो भोजन के लिए पूछो तो सही। ध्यान रखना जिस घर से अतिथि नाराज होकर के चले जाते हैं उस घर में अपने सारे पाप छोड़ जाते हैं और उस घर के पुण्यों को ले जाते हैं। इसलिए अतिथि का सत्कार हो। पहले तो अतिथि आते थे कई कई दिन तक रुकते थे और अच्छा भी लगता था लोगों को। आज तो लोगों को पसंद ही नहीं कि हमारी कोई फैमिली में आए, इंटरफेयर करे, रुके। आते भी हैं तो एक दिन आए, सुबह आए, शाम को गए, या एक दो दिन के लिए आए चले गए। ऐसे यदि कोई अतिथि आ जाए भैया तो मुंह फुला करके ना बैठे हम कि पता नहीं कहाँ से आ गए, अब इनका भी भोजन बनाओ। अरे चार लोगों का बन ही रहा है, एक का और बन जाएगा तो क्या बिगड़ेगा? चार लोग चाय पी रहे हैं, एक दो लोग और पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए जब अतिथि आए तो पता है एक दो दिन रुकेंगे, रुक जाने दो, सत्कार कर दो। शास्त्र कहते हैं अतिथि आए तो सत्कार करो, आसन पर बिठाओ, जल पिलाओ, भोजन कराओ। इतना सब नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के अभिवादन कर दो, आओ आओ आओ, आइए आइए आइए। इतना भी नहीं कर सकते तो हंस दो, थोड़ा सा स्माइल कर दो, मुस्कुरा दो। और हमारे भारत में एक बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी संत हुए जो अपने कड़वे प्रवचनों के लिए जाने जाते थे, अब तो उस दुनिया में नहीं है, जैन संत, जैन मुनि, श्री तरुण सागर जी महाराज। वे अक्सर कहा करते थे यदि अतिथि आए तो जल पिलाओ, आसन पर बिठाओ, भोजन कराओ। ये नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के स्वागत कर दो, स्वागत नहीं कर सकते तो मुस्कुरा दो, हंस दो उसको देख के। और यदि हंस भी नहीं सकते अतिथि को देख करके तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, वो कहते थे। और बात बिल्कुल सही है, यदि इतना भी नहीं कर पा रहे तो मर जाओ। भगवान ने इतना सुंदर शकल दी है, चेहरा दिया है, और हम मुंह फुला के बैठे रहे अक्सर हमेशा, किसी को देख के हंसे भी ना तो क्या मतलब? अरे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो थोड़ा थोड़ा। कोई आए तो उसको देख के जरूर हंस दो, अतिथि नाराज होके ना जाएं।